पटना से भागलपुर आता है एक ट्रेन दानापुर इंटरसिटी, वो रात के 10 लगभग 11 बजे भागलपुर इंटरसिटी। प्रातः काल सुबह 8 बजे। अभी तरह कैमरा बंद कीजिए, कैमरा बंद क्या हटा दिया, टाइप कहानी चाहिए तब भंडार है तुम्हारे पास। राज की बात, मतलब कहानी का बात बता रहे हैं कि राज की बात है। हाँ, इस को लग रहा है कि इसके कहानी ये राज भी उसी के साथ चला गया। ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। भूत का कहानी सुना वहाँ। पकड़ो आते हैं, राजे वाला कहानी सुनाते हैं, पकड़ो आते हैं। ये भी सुनाएगा 100% जो भी इसको सुनाया जो है वो कहानी स्क्रिप्टेड है। तुम बोल रहा कि असली कहानी है, ये पूछा है हम बता रहे हैं कि टीचर पढ़ता है इसीलिए उसको स्क्रिप्टेड कह रहा है। अच्छा, अब मतलब जो भी पब्लिक सुनेगी ये कहानी, उसके बाद वो अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट डाले कि ये स्क्रिप्टेड है कि नहीं। ये तो कहानी सुनाते हैं, रियल कहानी सुनाते हैं। हाँ ठीक है। लाइन बोला जाता है ना, डिस्क्लेमर में जो लाइन बोला तो बोल देता था, सच्चे घटना पे आधारित है ये कहानी। अच्छा, ये मेरे घटना के पात्र कौन कौन है? घटना के पात्र, अच्छा, आ रहे थे ट्रेन से। ये बात है ठंड के मौसम की। अच्छा, पटना से भागलपुर आता है एक ट्रेन दानापुर इंटरसिटी, वो रात के 10 लगभग 11 बजे भागलपुर इंटर करता है। ठंड का मौसम था और ये घटना, मतलब जब ठंड बहुत ज़्यादा कड़ाके का ठंड होता है। माँ दर कहानी वक्तोदी पे बोलता क्यों पीछे भाई, ध्यान देने लगता है पीछे। तुम अरे अब सुनाओ। हाँ राज, हाँ तो देखो, ये घटना जो है मेरे जो वो हमें बताए थे, उनका एक फ्रेंड था। हाँ, और एक ट्रेन है भागलपुर दानापुर इंटरसिटी, पटना से भागलपुर जाता है। अब भागलपुर इंटर करता है रात के 11 बजे। हाँ, ठंड का मौसम था, कह सकते हैं दिसंबर का महीना हो। होता क्या है कि वो जो मेरे सर के जो फ्रेंड थे वो आ रहे थे, और भागलपुर से पहले एक जगह है सुल्तानगंज, वो स्टेशन में ट्रेन रुका। 10 बजे होंगे 10 साढ़े 10 बजे होंगे वहाँ पे ट्रेन रुका। हाँ ठीक है। तो ट्रेन रुकने से रुका तो वहाँ पे एक आदमी चढ़ा। हाँ, वो साढ़े दस हो, दस सवाल तो पूछ सकते हैं ना बीच में। 10 साढ़े 10 हो रहा होगा, 10 साढ़े 10 में तो स्टेशन पे लोग रहता ही है। लेकिन ठंड का मौसम था, जाड़े का मौसम था, मतलब कड़ाके की ठंड थी, कड़ाके की ठंड थी, तो उस टाइम कोहरा वगैरह थोड़ा रहता ही है, ठंड का मौसम था तो पानी भी गिर रहा था। एग्जैक्टली याद है, माता चला बकचोदी का, बकचोदी मत करो तुम, आगे बताओ। तोड़ रहा है। हां ठीक है ठीक है, लो नहीं लो, तोड़ देता है, तुम सब लोग का मुंह पे थूक देगा वो। एक आदमी चढ़ा। हां, वो आदमी बूढ़ा सा था, और वो जो सर थे उनके सर के जो फ्रेंड थे उनके सामने वो बैठ गया, और उस बोगी में केवल दो ही आदमी था, एक वो और एक वो सर, मेरे सर के फ्रेंड। माता चो काटेंगे इस चीज को, काट देंगे चलो। हाँ, बाद में चल सारा गांव में उंगली कर रहा है। अरे यार ऐसे बोल रहा है, कैमरा नहीं करता तो तुम तो कहते और करो। अरे आप कैमरा नहीं करता और करो। यहाँ के बैठा बोगी में, तुम्हारे जैसे नहीं देखा। माता चो हम बंद माता चो पहले पहले हमें ट्रेन पे चढ़ा। हाँ ठीक है, ऑस्कर है मालूम। अब मैं तो इतना तो चलता ही है, सीरियस कहानी है, भूत वाला है, इसमें हंस रहा है। तुम्हें लग कहानी भूल गया, बुरा मान गया। आदमी चढ़ा दुकान में, हम भी भूल गए भाई, हम भी आदमी दुकान में नहीं ट्रेन में चढ़ा। हाँ, जिस टाइम चढ़ा उस टाइम 2-3 लोग थे, लेकिन ट्रेन खुल जाने के बाद थोड़ी ना ट्रेन खुल गया, ट्रेन खुल गया, आदमी चढ़ा, ट्रेन खुल गया, आदमी आके उस आदमी के सामने बैठ गया। हाँ,
फिर ट्रेन चल रहा था तो होता है बीच में वो जो सर के जो फ्रेंड थे उनको लगता है लघुसन का, ठीक है, तो वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो न्यूज़पेपर और उनका एक कोट भी था, बोले कि आप ये सामने वाले जो बैठा हुआ था बूढ़ा आदमी तो आप भाई साहब थोड़ा पकड़िए हम आते हैं, तो वो गए बाथरूम आए अपना फ्रेश वेश होकर के आ गए। अब जैसे ही आके ये बैठे जिसको ये कोट और न्यूज़पेपर अपना दिए थे तो वो जो था वो क्या किया अपना मुंडी निकाल के बोला कि भाई साहब पकड़िए हम आते हैं। अरे बहन सर के फ्रेंड का वहीं पे बेहोश हो गया। ट्रेन रुकने के बाद उनको होश आया, मतलब उनके रिलेटिव आ गए उसको जगाए भाई जाओ जाओ, और महीनों तक उनका तबीयत वगैरह थोड़ा खराब रहा था। बस तो किसी का भी गान फट जाएगा भाई। पहले ये बात बताओ ये स्क्रिप्टेड है कि नहीं, सही सही बताना हमको। कोई भी इमेजिन करेगा क्या बुरा लग रहा है स्क्रिप्टेड कहानी को अगर हम बता रहे हैं। नहीं है भाई,